हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर इन गुड हेल्थ गुड शेप एंड अभी अभी मैंने देखा कि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी ओके okay. सब सही हो रहा है डोंट वरी तो सबसे पहले हेलो uh, नमस्ते आदाब सत काल केम छो वड़क्कम जो भी जहां से भी आप लोग बिलोंग करते हैं आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के अभिवादन है और मैं आप सबका आज की इस लाइव क्लास डे वन में स्वागत करता हूं, जहां पर हम स्पोकन इंग्लिश कोर्स सुपर थर्टी बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये जो बैच रहेगा ये पूरे तीस दिन चलेगा अगस्त में यानी फर्स्ट ऑफ अगस्त से तक, थर्टी ऑफ अगस्त तक कंप्लीट थर्टी डेज आप मेरे साथ इसी समय आठ बजे लाइव क्लासेस में अगर जुड़ जाएंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को स्पोकन इंग्लिश सिखाने की तो यह मेरी कोशिश रहेगी आप भी कोशिश कीजिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें अगर आप कहीं किसी ग्रुप्स में हैं तो शेयर भी कर दें है ना ताकि और बच्चे जुड़ जाएंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे तो शुरू करते हैं आ, बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सबसे पहले बताइए कहां कहां से हैं आप चलिए ओके okay, सही है हाँ बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे बिल्कुल भी आप लोगों ने सोचना नहीं है हाँ आज अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो उसकी एक रिक्वायरमेंट है आपको जो मैं बोल रहा हूं ना हिंदी में या आप जो उर्दू समझते हैं मेरे हिसाब से आप भी हिंदी समझ सकते होंगे तो आप सबको अगर हिंदी आती है तो आपको इंग्लिश भी आ जाएगी बस ये रिक्वायरमेंट है आज की क्लास की और अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं कर्नाटका फ़तेहाबाद राजस्थान कोलापुर हिमाचल प्रदेश मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी बच्चे आज रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से लेकर और यहाँ हमारे गुजरात और राजस्थान से भी बहुत बच्चे आ रहे हैं तो बहुत देखकर अच्छा लग रहा है और जो जो हरियाणा से हैं भाइयों तम ने मेरी राम राम ठीक है छोटे भाण भाईन भी आज जुड़ गए हैं प्रणाम और क्योंकि मैं भी हरियाणा से हूँ बताना चाहूँगा सबको पता है ऑलमोस्ट तो मैं भिवानी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ तो शुरू करते हैं नेपाल से भी बहुत लोग जुड़ रहे हैं बड़ा अच्छा लगता है देख के लखनऊ दरभंगा कोलकाता अरे अरे वाह 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 बड़ा मज़ा आ रहा है प्यार मिल रहा है आप सबका चलिए शुरू करते हैं तो ये सबसे पहले शुरुआत करने से मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो हम आज करेंगे इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पर मिलेगी ताकि आप सब इस क्लास के बाद उसे अच्छे से समझ सकें और आप लोगों को स्टडी नोट्स प्रोवाइड करवाना मेरी जिम्मेदारी है तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने चैट बॉक्स में ऊपर पिन कर दिया है तो ध्यान से जो इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल है टेलीग्राम चैनल पर वहां जब आप आज जाइएगा तो इस क्लास के खत्म होते ही जो आज हम पढ़ने हूँ थर्टी डेज थर्टी क्लासेस ओके तो ये लाइव स्पोकन इंग्लिश पहली बार शायद यूट्यूब पे लगातार तीस दिन क्लासेज चल रही हैं ऐसा मेरा मानना है अगर किसी ने पहले भी चला दी हो तो भाई गलती माफ करना अपने बड़े भाई समझ के या छोटे भाई समझ के तो आज पहला दिन हम क्या सीखने वाले हैं टें टें। तो ये है आज जो हम सीखने वाले हैं तो अब मैं आपको बताता हूं कि आज मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूं जब बात आती है कि सर हमें इंग्लिश सीखना है लेकिन शुरुआत कहां से करें तो आपको यूट्यूब पे या आपको कई एप्स पे बहुत से टीचर्स मिल जाएंगे जो आप लोगों को अलग अलग तरीके से इंग्लिश सिखाने की कोशिश करेंगे लेकिन जहां भी आप जाओ सिर्फ एक मन में विश्वास रखो कि हां मुझे इस टीचर से सीखना है आधे से ज्यादा स्टूडेंट क्या सोच के आते हैं अरे चलो देखते हैं ये क्या सिखाएगा बेटा ऐसे तो आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो कोई फायदा नहीं है लेकिन अगर आप देखने के लिए नहीं आए आप सीखने के लिए आए हो अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करने का आपका इरादा है तो जो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं इसको बड़े ध्यान से समझिएगा और इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल पूरी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पर मिल जाएगी जिसका लिंक मैंने पिन कर दिया है चैट बॉक्स में तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सबसे पहले तो ये 51 बेसिक वर्ड्स देखिए आप लोगों में से कई लोग सोचते हैं कि सर हमारे पास वोकेबलरी नहीं है मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इंग्लिश बोलूं तो हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाऊं तो शुरुआत कैसे करोगे शुरुआत छोटे छोटे वर्ड से करोगे और उनके बिना जिन वर्ड्स के बिना आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते ऐसे कुछ 51 बेसिक वर्ड मीनिंग में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और इन वर्ड्स के साथ साथ मैं आपको इनका मतलब तो बताऊंगा ही इसके साथ साथ आपको हर वर्ड के कम से कम तीन और चार मैं डेली यूज के सेंटेंसेस भी बताऊंगा ताकि आप आज से ही उन शब्दों को अपनी दिनचर्या में डेली यूज में लाना शुरू कर सकें तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा शुरू करें सारे थम्स अप दीजिए और आज की क्लास का जो बॉन्डर है तारा भाई जो सतेंद्र है जो तारा सर सतेंद्र है वो शुरुआत करता है तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि हम आज करने क्या वाले हैं तो यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल ए बी सी डी से ही शुरुआत करेंगे बिल्कुल अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो या आप इंग्लिश स्कूल में भी पढ़े हो लेकिन आपने इंग्लिश को सिर्फ एज ए सब्जेक्ट लिया है कभी सीखा नहीं बोलने के लिए तो आज जो भी पीछे का आपको आता है आपको चाहे कुछ भी याद ना हो फिर भी आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे क्योंकि हम बिल्कुल ए से शुरू कर रहे हैं ए बी सी से ओके तो सबसे पहले मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना बड़ी गलती मत करना कि हम आज जो करने जा रहे हैं एक सबसे पहले गिनती आती हैं एक ओके तो इंग्लिश में एक को हम क्या बोलते हैं हम बोलते हैं ए लेकिन यहां पे आप लोग प्रनउंसिएशन में गलती करते हो वो कैसे आप इसको ए फॉर एप्पल सीखते हो बचपन में लेकिन आगे भी यही बोलते जाते हो तो आज हम सीखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं बोलते वक्त तो एक का मतलब इंग्लिश में होता है ए मैं गिनती नहीं कर रहा वन टू थ्री फोर वो अलग है लेकिन जो ए है उसका मतलब होता है कि एक है ओके अब आइए आगे, आगे. सबसे पहले कि यह, यह, है यह है एक कलम है यह है एक कलम है तो मैंने अगर यहां पर ए लिख रखा है तो मैं ये नहीं कहूंगा दिस इज ए पेन आप ध्यान से सुनिए बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं प्रशियेशन जो है वो बहुत गलत है इसकी. आप इसको अकेला जब पढ़ोगे ना तो आप ए फॉर एप्पल बोल सकते हो लेकिन जब ये किसी वाक्य में आएगा जब यह किसी सेंटेंस में आएगा तो हमेशा आप इसको क्या बोलोगे दिस इज अ पेन दिस इज अ पेन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है छोटी बात है लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आपकी इंग्लिश को बिल्कुल सही कर सकती हैं और खराब भी कर सकती हैं तो आपको ये जो सेंटेंसेस हैं ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिए हैं आपको घबराना नहीं है आपका जो मोटिव है वो ये है कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक से कैसे सीखें जब भी हमें कहीं एक लगाना हो तो हम क्या लगाएंगे इंग्लिश में आ लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस में यूज करना है ओके तो यह एक कलम है दिस इज अ पेन आप एक स्टूडेंट हो आप सब क्या हो आप सब स्टूडेंट हो तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप एक विद्यार्थी हो भाई मेरे सामने एक है तो उसकी इंग्लिश क्या होगी यू आर अ स्टूडेंट मैं ए स्टूडेंट नहीं बोलूंगा वो गलत होगा आप क्या कहोगे यू आर अ स्टूडेंट ओके अब आगे देखिए वह एक शिक्षक है वह एक शिक्षक है ही इज अ टीचर तो ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल इसीलिए दिए हैं ताकि आपको जितने भी वर्ड्स हम करने जा रहे हैं उन सब का पता लग जाए कि इनको कहां कहां हम इस्तेमाल करेंगे ओके okay? नेक्स्ट अमित एक डॉक्टर है अमित इज अ डॉक्टर तो यहां पर जो भी ये ए है ना इसको हम पूरे सेंटेंस में कैसे बोलेंगे a. अमित इज अ डॉक्टर क्लियर है नेक्स्ट फिर है एन अब आप कहोगे कि सर ए और एन में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं तो आज यहीं पे मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करता हूं ध्यान से देखिए आपने इंग्लिश में ए टू जेड ए टू जेड कितने लेटर्स होते हैं सबको पता है छब्बीस होते हैं ए टू जेड एबीसीड कितना रट्टा मारना पड़ता है नहीं ये रट्टा ही तो मारा हुआ है बचपन का तो ए टू जेड हमारे पास ट्वेंटी तो ठीक है, 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 है ये जो ए है इसके आगे क्या आया है आपको ये ध्यान देना है तो पांच ऐसे लेटर हैं जो कि कुछ आवाजें निकालते हैं ओके कुछ एक्सेप्शन भी है लेकिन पांच ऐसे लेटर हैं जो कुछ ऐसी आवाजें निकालते हैं तो उन आवाजों पर हम एक की जगह क्या लिखते हैं एन लिखते हैं ना कि ए लिखते हैं वो कैसे सुनिए जो पांच वो हैं वो है ए ई आई ओ यू ये पांच हमारे लेटर हैं इनको बोलते हैं हिंदी में स्वर क्या बोलते हैं स्वर और जो इक्कीस बच गए बाकी के उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स क्या बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स तो जब भी आपको ये पांच अक्षर यानी लेटर दिख जाए ना फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यह एक सम्मान की बात है आप रोज कहते हो ना कि यार आप मेरे घर पर आए आपने मुझसे बात की यह मेरे लिए एक सम्मान की बात है तो आप क्या कहोगे इट्स एन ऑनर क्यों क्योंकि यहां पर यह जो शब्द है यहां पर जो एच है ना हालांकि ये है कॉन्सोनेंट लेकिन यह साइलेंट है क्या है साइलेंट तो आवाज कैसी आएगी आवाज आएगी ऑनर क्या आई ऑनर और ऑनर में यह जो ओ है हमारा ये हमारा क्या करेगा यह हमारा इसको वावल साउंड बना देगा फिर हम क्या लगाएंगे एक की जगह एन लगाएंगे और एग्जांपल है देखिए तो यह एक सम्मान है इट्स एन ऑनर यह एक छाता है दिस इज एन अम्ब्रेला तो यहां पर हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ा क्योंकि यू जो है वो भाई साहब ऑलरेडी क्या बता रहे हैं कि मैं क्या हूं मैं हूं वावल साउंड यानी कि स्वर मैं निकालता हूं ओके तो उसी तरह से अगर आप कहोगे वह अब तक वह एक ये गलत हो गया वह एक बूढ़ा आदमी है कि इज एन ओल्ड मैन नाउ अरे ये सही था वह अब एक बूढ़ा आदमी है तो ही इज एन ओल्ड मैन नाउ तो ओल्ड के आगे हमने एन क्यों लगाया ए क्यों नहीं लगाया क्यों क्योंकि ये जो पांच लेटर हैं यहां पर ये जो ओ है ये क्या निकाल रहा है ये वावल साउंड निकाल रहा है तो ए एन द ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं बहुत आसान टॉपिक है लेकिन बहुत से बच्चे इसमें उलझ जाते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ए और एन में आज के बाद गलतियां नहीं करेंगे आगे भी हम इस टॉपिक को बिल्कुल अलग से पढ़ाऊंगा लेकिन आज के लिए आप हल्का सा समझ लो पूरा समझ ना आए तो कोई बात नहीं मैं हूं ना ओके तो अब देखिए लास्ट हमारा एग्जाम्पल वह एक आज्ञाकारी लड़का है तो आज्ञाकारी की इंग्लिश क्या होगी आज्ञाकारी की इंग्लिश होती है अबीडियंट क्या होगी अबीडियंट तो यहां पर भी क्या आ गया ओ आ गया तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे ओ के लिए फिर से हम एन लगा देंगे समझ आया तो ऐसे ही हम देखते हैं कि ए आएगा या एन आएगा ओके और जो दाह है उसका भी मैं आप लोगों को आगे अभी बताऊंगा तो समझ आ रहा है यहां तक दिक्कत तो नहीं है ना देखिए चलिए अब हम देखते हैं हमारे आगे के दो अक्षर कौन से हैं देखा मैंने कहा था ना द भी आएगा तो यहां पर आ गया है द अब द के कई मतलब निकलते हैं वो कैसे जब हमें कहना हो यह या हमें कहना हो वह और लेकिन ये जो यह और वह हम बोलते हैं ना हमारी भाषा में वो कैसा होना चाहिए वो नॉन यानी कि हमें पता होना चाहिए पता होना चाहिए कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं तभी हमारा क्या आएगा तभी हमारा द आएगा मेरी लाइट बंद हो गई भाई तो वो कैसे होगा फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे किसी किताब के बारे में बात कर रहा हूं और आपको पता है वो किताब कौन सी है मुझे पता है वो किताब कौन सी है तो अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझे वह किताब दो मैं क्या कहूंगा गिव मी बुक गिव मी द बुक तो अगर एक चीज की हम बात करें और वो एक चीज जो है वो सुनने वाले को भी और बोलने वाले को भी अगर पता है हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे हम लगाएंगे द और अब आप सोचोगे कि सर इसको हम कई बार दी भी बोलते हैं तो हम इसको दीदी वाला जो दी है वो कब बोलेंगे पता है जो अभी मैंने ऊपर बताया था कि जब भी इससे सामने वाला जो भी अक्षर है वो क्या आएगा वो जब वावल साउंड में आएगा तो हम क्या लगा देंगे हम उसको दी बोल देंगे ओके तो ये याद रखना अब एग्जाम्पल देख लो समझ आ जाएगा वह सर्वोच्च नेता है तो आपको पता है किस नेता की बात हो रही है तो आप क्या कहोगे ही इज द सुप्रीम लीडर और अगर आप किसी खास व्यक्ति की बात करते हैं जो किसी खास पद पर है जैसे कमिश्नर हो गया राज्यपाल है राष्ट्रपति जी हैं। और हमारे प्रधानमंत्री हैं या कोई खास मंत्री पद पे है तो आपको पता है भाई एक विशेष व्यक्ति है विशेष पोस्ट है आईएएस आईपीएस तो उनके लिए भी हम क्या लगा सकते हैं दा लगा सकते हैं जैसे नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आप समझ रहे हो क्योंकि हम एक बहुत ही खास पोजीशन की बात कर रहे हैं वहां पर हम क्या लगाएंगे द लगाएंगे समझ आया किसी भी पद से पहले सीएम से पहले पीएम से पहले एमएलए से पहले कि अगर आप कहना चाहो कि भाई ये हमारे क्षेत्र के एमएलए हैं तो आप क्या कहोगे ही इज द एमएलए ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी आप समझ रहे हो बात को तो बस दिमाग में एक सेंस समझ लो कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो मैं दा लगा दूंगा और ऐसी सिचुएशन ना आए कोई आम सा इंसान है मेरे जैसा तो आप क्या कहोगे ही इज एन इंग्लिश टीचर कि ये अंग्रेजी का अध्यापक है शिक्षक है लेकिन अगर मान लो आ, मैंने डीपीएस में जैसे पढ़ाया वहां का कोई स्टूडेंट मिल जाए तो मुझे बड़ा प्यार करते हैं आज भी वो बच्चे तो वो क्या कहेंगे ही इज द इंग्लिश टीचर कि ये वो इंग्लिश टीचर हैं जो हमें पढ़ाते थे समझ आया तो ऐसे ही हम इस्तेमाल करते हैं ए एन और द का चलिए अब नेक्स्ट आ गया जो सबसे खास है वो है मैं तो मैं तो बहुत बढ़िया लोगों में मैं को हम इंग्लिश में करते हैं कन्वर्ट तो वो बन जाता है आई दोस्तों ध्यान रखो यहां पर आपको ये बातें छोटी लग रही होगी ठीक है आपको ये बातें बहुत छोटी शायद लग रही हैं कई लोगों को जिनको ये लगता है यार सर तो बड़ा नॉर्मल सा करा रहे हैं सर ये तो मेरे को आता है आप इंग्लिश बोल नहीं सिखाओ बेटा यहीं से तो शुरुआत होती है ठीक है मैं कई बार स्कूल में किसी से पूछता था बेटा आप कितने साल को हो? सॉरी मेरा सांस फूल रहा है मैं पानी पी लेता हूं पानी पी लेता हूं भाई तो स्कूल में मैं बच्चों से पूछता था कि बेटा आपकी उम्र क्या है हाउ ओल्ड आर यू ठीक है तो कहता था बच्चा सर आई एम ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड या नहीं बीस साल तो ज्यादा होगी कॉलेज की बात कर दी मैंने स्कूल में कोई भी बच्चा कहेगा आई एम फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड ठीक है आप सब भी शायद इसी एज इस ग्रुप के पास के होंगे मेरे लिए तो स्टूडेंट ही है ना लेकिन वो गलत होता था ग्रामेटिकली सही होते भी आपकी इंग्लिश खराब हो जाती है और कोई आप पे फिर हंस देता है देख आई बोल रहा है ये आय होता है तो इसको हम हमेशा क्या बोलेंगे हम हमेशा बोलेंगे आय इसको आई मतलब ये आंख नहीं होगा ये होगा आई ओके कि आई एम अ टीचर मैं एक अध्यापक हूं तो आप भी ऐसे ही बोलना तो मैं बीस वर्ष का हूं या की हूं आप क्या कहोगे आई एम नहीं बोलोगे आप कहोगे आई एम ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड आई एम ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड तो ये एग्जाम्पल पे मत जाओ अभी आप ये मत सोचो कि सर ये हमें आता नहीं है ये ट्रांसलेशन कैसे करें ये समझाओ ये मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा आज जो मेरा समझाने का उद्देश्य है वो ऐसे फिफ्टी वन वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा काम आते हैं उनके बिना तो इंग्लिश शुरू ही नहीं हो सकती ये इंजन है इंग्लिश का ये समझ लो इसीलिए डे वन में मैं आप लोगों के लिए यह लेकर आया हूं तो ये द के एग्जाम्पल रह गए थे वह एक बेहतरीन गायिका है शी इज सिंगर तो अगर आपको बेस्ट बोलना हो कि भाई वो सबसे बेहतरीन है बेस्ट आई एम द बेस्ट सुना होगा ना वो शाहरुख खान का गाना आई एम द बेस्ट आई एम द बेस्ट तो वहां पे द इसीलिए लगाया गया था कि बेस्ट अगर आप किसी को कहते हो भाई सबसे बेहतर तो क्या हो गया वो भी एक अच्छी पोजीशन हो गई ना बढ़िया वाली कि भाई सबसे बेस्ट है तो हम क्या लगाएंगे हम वहां पर भी दा लगाएंगे फिर है बात क्या है वट इज द मैटर तो मुद्दा आप किससे पूछोगे आप पूछोगे जिसके साथ आपकी बातचीत हो रही है तो हमेशा आपको पूछना पड़े कि भाई मुद्दा क्या है आप कहते हो वट इज द मैटर पुस्तक मेज पर है द बुक इज ऑन द टेबल समझ आया नहीं आया कौन सी किताब आपको पता है कौन सी किताब है मुझे पता है कौन सी किताब है इसीलिए हम क्या लगा रहे हैं हम लगा रहे हैं द तो अब ये आई के कुछ और एग्जाम्पल आप देखिए जैसे मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं आप सिर्फ मैं पर ध्यान रखो अभी अगर आप टेंसिस में घुसोगे तो आपकी आगे की थर्टी क्लासेस एक ही दिन में थोड़ी ना खत्म हो जाएंगी है ना एकदम से बहुत ज्यादा खाना खा लोगे तो पेट फट जाएगा तो धीरे धीरे ओके जुगाली करते हुए चू करते हुए अच्छे से खाना खाइए तो ये कहना चाह रहा है भाई मैं का इस्तेमाल कहां कहां हो सकता है मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं आई एम लर्निंग इंग्लिश मैं किताब पढ़ रहा हूं आई एम रीडिंग अ बुक मैं एक विद्यार्थी हूं आई एम अ स्टूडेंट हां इसको हम स्टूडेंट नहीं बोलते भाई इसको हम स्ट्यू डेंट बोलते हैं तो मैं बता देता हूं ये लिखा जाता है स्ट्यू स्टूडेंट ओके okay, ये ऐसे आप प्रोनाउंस करेंगे फिर है वह पुरुष अगर मेल के हम बात करें तो इंग्लिश में उसका क्या मतलब होता है शायद ये नॉर्मल है आप लोगों को पता भी है फिर भी कर लो कई लोगों को यहां पर भी दिक्कत आती है अब जो आगे वर्ड आएंगे धीरे धीरे आपकी आंखों के जो पर्दे हैं वो खुलने लगेंगे उसका मतलब होता है ही वो मेल के लिए लगेगा जैसे वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है ही इज माई बेस्ट फ्रेंड ऐसे ही तो रखते हो ना आप वह बैंक में काम करता है ही वर्क इन अ बैंक वह एक अच्छे खिलाड़ी हैं ही इज अ गुड प्लेयर वह फुटबॉल खेलता है ही प्लेज फुटबॉल इसी तरह लड़की के लिए और फीमेल के लिए हम लगाते हैं शी और वो क्या बन जाएगा वह बाज़ार जा रही है शी इज गोइंग टू मार्केट वह कक्षा नौवीं में पढ़ती है शी स्टडीज इन क्लास नाइन वह एक नई पोशाक खरीदती है शी बाइज ड्रेस तो इसी तरह आपको आगे हम देखाएंगे देखिए अब आ गया इट जो कि कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, है ना जिसका मतलब होता है यह है, या आप कई बार इसको वह भी कर लेते हो और इसका सबसे ज्यादा एज अ सब्जेक्ट तो जो ये सब्जेक्ट है जिसको हम कर्ता बोलते हैं तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है किसके लिए आता है ये आता है या तो नॉन लिविंग चीजों के लिए या तो नॉन लिविंग चीजों के लिए आएगा या आप इसका इस्तेमाल किसके लिए कर सकते हैं आप एनिमल्स के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अब आप कहोगे कि सर हमें जब पता है कि कुत्ता है मेल है तो हम उसके लिए ही क्यों नहीं लगाएंगे बिल्कुल लगा सकते हो लेकिन आप एक बात बताओ आदमी को देख के तो मोस्टली पता चल जाता है कि हाँ भाई ये मर्द है या औरत है लेकिन कई बार बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जिनको देखने भर से हमें पता नहीं चल पाता कि ये मेल है या फीमेल है उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं हम लगाते हैं इट पेड़ पौधों के लिए कुर्सी टेबल जो भी सामान होता है उसके लिए हम इट लगाते हैं एक चीज और जहां आपको पता चले कि भाई बच्चा होने वाला है मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं डेली यूज के लिए बहुत काम आएगी जब कोई नया बच्चा पैदा होता है तो आप कैसे पूछते हो कि भाई क्या हुआ है क्या हुआ है तो आप सिंपली पूछोगे कि वॉट इज इट तो आगे से जो जवाब आएगा वो क्या आएगा कि यह एक लड़का है इट्स बॉय इट्स बॉय तो वहां पर भी सब्जेक्ट क्या बनता है इट बनता है यह बताने से पहले कि वो लड़का है या लड़की है आप समझ रहे हो ना तो इसी तरीके से जब भी जेंडर में कंफ्यूजन हो पता ना हो आप इट लगा सकते हैं देखिए और इसका इस्तेमाल कहां होता है जैसे अगर मैं बात करूं कि यह एक अच्छा विचार है यह एक अच्छा विचार है तो विचार क्या है ना मेल है ना फीमेल है तो आप क्या लगा दो आंख बंद करो इट लगा दो सब्जेक्ट के तौर पे ये क्या बन जाएगा इट इज अ गुड आइडिया अब यह लकड़ी का बना है तो लकड़ी से क्या बनेगा इंसान थोड़ी ना बन जाएगा वो कोई सामान बनेगा तो आप सिंपल सा क्या कहोगे? अप ऑफ वुड ओके अब यह बिजली पर काम करता है तो मान लीजिए आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है कोई उपकरण है तो वो क्या है मेल फीमेल नाना वो क्या है इट है तो सब्जेक्ट उसका क्या होगा इट होगा तो इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी फिर बाहर बूंदाबांदी हो रही है तो मान लीजिए बारिश होती है तो यह तो बहुत कॉमन है आपको पता है बारिश ना मेल है ना फीमेल है आप क्या करोगे भाई मेरे पास तो इट बचता है वो ले लो और लगा दो आप क्या कहोगे इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड तो यह जो शब्द है ड्रिजलिंग इसका मतलब है बूंदा बांदी और मान लीजिए भारी बारिश हो रही है तो आप कह सकते हो इट इज रेनिंग हैवीली और एक फ्रेज है बड़ा प्यारा सा आ, मैं कई बार इस्तेमाल करता हूं अगर बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है तो आप यह भी कह सकते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इसका मतलब कि भाई बहुत बुरी तरह बारिश हो रही है मतलब बिल्ली कुत्ते नहीं बरस रहे बहुत जोर से बारिश हो रही है इसी तरह हम इट लगाते हैं समझ आ गया ना इतना ध्यान रखो कि इट का इस्तेमाल हम इंग्लिश में इट कहां कहां लगाएंगे इसीलिए मैंने आप लोगों को ये एग्जाम्पल दिए हैं फिर है आपको और तुमको और तू को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे हम चाहे किसी को तुम बोलना चाहें हम किसी को तू बोलना चाहें या हम किसी को आप बोलना चाहें इंग्लिश में बड़ी सभ्य भाषा है हम कहते हैं यू तो ये अच्छा है ना पता भी नहीं चलता कि आप अगले को आ, किस भावना से बोल रहे हो अगला वाला समझता है कि हाँ यार मैं तो यू हूं आप समझ के बोला होगा है ना तो तुम का तू का और आपका एक ही मतलब है इंग्लिश में यू एग्जाम्पल देखिए तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड तुम्हें खत लिखते हो यू राइट लेटर तुम रोज स्कूल जाते हो यू गो टू स्कूल डेली तुम 25 साल के हो यू आर 25 फाइव ईयरस ओल्ड समझ आया अब देखो आई होप मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूं और टाइम निकलता जा रहा है निकलता जा रहा है और हम लेट होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं देखिए हम हम का मतलब इंग्लिश में एक से ज्यादा देखिए मैं की बात आएगी तो आए और मेरे साथ एक भी और इंसान आ गया तो ये क्या बन जाएगा हम इंग्लिश में उसको कहते हैं वी जैसे हम चार भाई बहन हैं वी आर फोर सिबलिंग्स अब कई लोग सोचेंगे कि सर हम ये क्यों नहीं कह सकते वी आर फोर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स भाई वो बिल्कुल गलत है जो भाई बहन है ना उनके लिए सिबलिंग शब्द इस्तेमाल किया जाता है ओके सिस्टर एंड ब्रदर वो जब आपको कोई कहे कि मेरी दो बहने हैं तीन भाई हैं तब आप बोल सकते हो लेकिन जब सिर्फ आपको यह बताना पड़े कि हम तीन भाई बहन हैं, तो सीधा कह दो वी आर थ्री सिबलिंग्स आसान है मुश्किल क्यों बनाना हम अंग्रेजी सीख रहे हैं अब ये जो सेंटेंस है ये आप सबके लिए है जो भी यहां पर इंग्लिश सीख रहे हैं आप क्या कह सकते हैं वी आर लर्निंग इंग्लिश सीखने की इंग्लिश क्या होगी लर्न तो आप कहोगे वी आर लर्निंग इंग्लिश अब जितने लोग आए हैं अगर आप लोगों को अब तक ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक बनता है कि नहीं बनता ये कर दो मैं पानी पी लेता हूं और देखता हूं आप लोग कितना लाइक कर रहे हो है ना लाइक करो यार लाइक करो यार लाइक like कर दो लाइक like कर दो लाइक like कर दो लाइक 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 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो लाइक like को फैला दो जंगल की आग की तरह लाइक like को जितने लोग देख रहे हैं उससे ज्यादा लाइक like हो तो मजा आ जाएगा है ना कीजिए कीजिए चलिए हम रोजाना मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो आप जाते होंगे ना तो ये आपको सेंटेंस मिल गया ओके वी गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली कि हम रोज सुबह घूमने जाते हैं भाई अच्छी बात है सेहत का ध्यान रखो दिवाली पर हम नए कपड़े खरीदते हैं वी न्यू दिवाली। देखिए, अब वे का मतलब या आप कहना चाहें कि वे सब इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब इंग्लिश में होता है दे यानी कि एक से ज्यादा लोग आपके सामने हो तो आप उनको क्या कहोगे दे ओके या आपको अगर यह कहना पड़े कि आप किसी ग्रुप की बात कर रहे हो तो भी आप क्या कह सकते हो दे तो सिंपल समझ जाओ वे और वे सब को हम दे बोलेंगे जैसे वे मेरे दोस्त हैं दे आर माई फ्रेंड्स वे नींबू का रस पीते हैं बड़े अजीब दोस्त हैं भाई लेमन जूस पीते हैं या कुछ और पीते हैं बता नहीं रहा पिटाई हो जाएगी दे ड्रिंक लेमन जूस वे जानवरों से प्यार करते हैं दे लव एनिमल्स वे क्रिकेट खेल रहे हैं दे आर प्लेइंग क्रिकेट अब देखो ये जो शब्द आया है ये हम कैसे इस्तेमाल करते हैं जब भी आपको बताना पड़े कि किसी का संबंध किसी समान से इंसान से तो वो रिलेशन को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हिज का तो उसका या उसके उसका या उसके क्या अगर मैं कहूं कि ये जो पेन है ना ये मेरा नहीं है ये उसका है तो मैं क्या कहूंगा दिस इज यानी कि ये पेन उसका है समझ आया ऐसे आप थोड़ा सा समझ लो कि जब भी आपको कोई रिश्ता बताना पड़े कि भाई कोई सामान किसका है ठीक है वो उसका बेटा है He is his son. तो भी क्या बताओगे आप हिज का इस्तेमाल करोगे ओके कि ये मेरा बेटा नहीं है भाई क्यों मेरे गले बांध रहे हो ये उसका बेटा है दिस इज सन समझ आया तो ऐसे आप बता सकते हो जैसे यह उसकी कार है दिस इज हिज कार तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई समान बता रहे हो उससे पहले ही आएगा ये क्या हिज ओके okay? वैसे एक एक्सेप्शन है लेकिन वो आप लोगों को अभी नहीं सीखना वो एडवांस इंग्लिश में हम देख लेंगे अभी आप सिर्फ इतना समझो कि जब भी कोई समान का संबंध बताना हो आप इस्तेमाल करेंगे मेल के लिए ओके okay? किसी मर्द का संबंध यानी मेल का संबंध बताना हो तो ही आप हिज का यूज करेंगे जैसे सीता उसकी चचेरी बहन है सीता इज हिज कजन और यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं कजन सिस्टर कजन ब्रदर क्यों भाई कहां से लेके आए थे हा ये भाई बहन अपने मन से ही जोड़ दिया पता नहीं चलेगा कजन बताओगे तो कि हाँ भाई ये आपके चाचे का बुआ का बेटा या जो भी लगता है कजन का सबका पता है ना क्या होता है फिर आप बताओगे कि ये मेरी कजन सिस्टर है अरे लड़की है पास में खड़ी दिखाई दे रहा है अंधे थोड़े ना लोग तो इसीलिए आज के बाद ऐसा मत करना सिर्फ कजन बोलना है यह उसकी समस्या है ठीक है तो आपका कोई दोस्त हो ठीक है तो वो अगर प्रॉब्लम में हो तो आप कहोगे ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है दैट इज हिज प्रॉब्लम वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है ही इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स अब यहीं पर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं अगर मैं बात करूं हर तो यहां पर पुरुष की जगह क्या हो जाएगा महिला हो जाएगी यानी कि फीमेल बाकी सब सेम रहेगा यही ऐसा ही इस्तेमाल होगा मैं आपको यहीं पे एग्जांपल चेंज करता हूं कि वह अपने दोस्तों के साथ खेल रही है तो अगर खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ तो हिज फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ खेल रही है तो आ जाएगा हर फिर यहां पे हर आ जाएगा अब मैं कहता हूं मेरे पास एक टिफिन बॉक्स है मैं कहता हूं कि ये उसका टिफिन बॉक्स है और वो कौन है वो एक लड़का है तो क्या होगा This is his tiffin box. लेकिन अगर लड़की है तो क्या होगा दिस इज हर टिफिन बॉक्स अगर कार की बात आ जाती है आप कहते हो कि यह कार उसकी है यानी कि लड़के की है तो दिस इज हिज कार और लड़की है तो दिस इज हर कार इतना ही याद रखो अभी कुछ कंफ्यूजन नहीं करना बाकी हम करते रहेंगे टाइम के साथ साथ देखिए देखा आपने तो हर यानी कि स्त्री सही है सर आपने तो, बना दिया, तो यहां पे, आ, क्या था स्त्री था <laughs> मैंने स्त्री बना दिया चलिए माफ कीजिएगा इस छोटी सी भूल के लिए वह अपनी मां के साथ है शी इज विद हर मदर तो हर के बाद कुछ आया ना हर के बाद कुछ आया ना यहां पर भी हर के बाद कुछ आया ना यहां पर भी आ, ये देखिए यहां नहीं आया तो ये एक एक्सेप्शन है यही मैं आपको बताने वाला था अरे क्यों नहीं आया भाई ये आ तो गया अजीब हूं ठीक है तो ये जो हर है ये किसके आगे आया ये इसके आगे ओके तो वो एक्सेप्शन हम कर लेंगे बाद में अभी कंफ्यूज आप लोग ना हो इसलिए मैंने यही एग्जाम्पल लिखे हैं कि उसकी मां शिक्षिका है हर मदर इज अ टीचर वह अपने छोटे भाई के साथ टीवी देख रही है शीज वॉचिंग टीवी विद हर यंगर ब्रदर और अगर मैं कहता कि वह अपने छोटे भाई के साथ टीवी देख रहा है तो क्या बन जाएगा ही इज वॉचिंग टीवी विद हिज यंगर ब्रदर है ना आसान तो इसी तरीके से अब करते हैं आगे देखिए ये आगे आपका माय तो मेरे या मेरा उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं माय का जैसे अब हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे नहीं तो बहुत बच जाएगा और आज की क्लास ऑलरेडी आधे घंटे से ऊपर जा चुकी है कि यह है मेरा बसता है भाई यह है क्या है मेरा बसता है दिस इज माय बैग ओके अब ये कुछ ज्यादा ही उस तरफ जा रहा है हम इसको थोड़ा है इस तरफ कर देते हैं मज्जा यार मज्जा यार बस अब कहां जाएगा है देखिए अब कहा से पकड़ के लाए हो ठीक है भाई हो गया यार देखिए अगर अब मैं कहूं कि टीवी देख रही है वो तो हो गया ना हा माई का मेरे और मेरा के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं माय और इसके साथ भी कुछ ना कुछ आता है जैसे आप किसी को अपना नाम बताते हो तो आप क्या कहते हो मेरा नाम क्या है मेरा नाम जो भी है आपका अमित सुमित रीता गीता सीता तो आप बता देते हो कि माय नेम सुरेश नरेश तो आप ये नाम बताते हो इसी तरह आप कहते हो कि ये मेरा बस्ता है दिस इज माय बैग तो ये भी क्या बताएगा ये भी संबंध बताएगा एसोसिएशन बताएगा कि कोई सामान किसका है ओके वो आपका है तो आप उसके लिए क्या रखोगे माय तो आप अगर आ, पेरेंट्स की बात करो अपने नाम की अपने भाई की बात करो तो भी आप इंसान समान के साथ संबंध बताओगे कि मेरा तो उसके लिए आप क्या लिखोगे माय इतना याद रखो फिर आपका और अपना उसके लिए योर और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे कैसे प्रनाउंस करेंगे योर नहीं होता योर क्या होगा योर ओके, okay. साइलेंट समझ लेना बस यहाँ पे फिर हो जाएगा कि आपकी कार कहां है वेयर इज योर कार यहां पर भी क्या लगेगा ऐसे ही आप एसोसिएशन बताएंगे ऐसे ही आप इशारा करेंगे कि कौन से सामान के साथ कौन से इंसान के साथ आपका संबंध है कि वह तुम्हारी गाड़ी है दैट इज योर कार वो तुम्हारे पापा हैं ही इज योर फादर तो भैया संभल जाओ पीछे से पापा आ रहे हैं पिटाई हो जाएगी ठीक है तो इसी तरह नेक्स्ट आप देखो हमारा तो अगर मैं हमारे की बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारे के लिए हम यूज करते हैं आवर क्या यूज करेंगे आवर जैसे ये हमारा घर है दिस इज आवर हाउस ये हमारे टीचर हैं ही इज आवर टीचर तो मैं आप सबका हूं ना तो आप कह सकते हो ही इज आवर तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे तो ये आप एग्जाम्पल मैंने दिए हैं ये आप देख लेना ठीक है तो यहां पर एक-एक हम साथ करते चलेंगे अब ये 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 देखिए जो अस है आप इस्तेमाल करने में कई बार सोचते हो कि यार इसका इस्तेमाल कैसे करूं है ना तो हमको या हमारे इसको जब आपने हिंदी का इंग्लिश बनाना हो तो आप लिखेंगे अस यानी कि हमारा लेकिन आ, वी की जगह हम अस कब लगाएंगे एज एन ऑब्जेक्ट यानी कि बिल्कुल आखिर में लगना हो तो हमारा लगता है अस। मैं एग्जाम्पल बताता हूं आपको ध्यान रह जाएगा वह हमको पसंद नहीं करता कि ही डज नॉट लाइक ही डज नॉट लाइक वह हमको अंग्रेजी पढ़ाते हैं ही टीच अस इंग्लिश तो अगर आपको कहना पड़े ना हमें या हमको तो आप इस्तेमाल करोगे अस का और वो भी बिल्कुल आखिर में सेंटेंस के तो इसको याद नहीं करना सिर्फ समझना है कि कभी भी हमको या हमारे आपको हिंदी से इंग्लिश बनानी पड़े तो आप क्या लगा सकते हैं आप अस लगा सकते हैं ठीक है और इसी तरह देम तो देम किसके लिए आएगा उनको जब आपको कहना पड़े उनको उसकी इंग्लिश क्या होती है देम एग्जाम्पल देखिए क्या आप उन्हें जल्दी आने के लिए कह सकते हैं कैन यू टेल दम टू कम फास्ट सुना होगा ना आपने मैं उन्हें पसंद नहीं करता आई डोंट लाइक देम मैंने उनको पार्टी के लिए आमंत्रित किया है आई इन्वेंटेड दैम इन्वाइटेड दम टू द पार्टी यानी कि उनको ध्यान रखना बस यही फिर है उनका यहां पर आपको रिलेशन बताना पड़ेगा कि वो घर किसका है ठीक है तो एक से ज्यादा के लिए एक के लिए हमने हिज लगाया था मेल के लिए हर लगाया था फीमेल के लिए तो उससे ज्यादा हो तो क्या लगा देंगे हम देर लगा देंगे जैसे यह उनका घर है दिस इज देयर हाउस उन्हें अपना कमरा साफ करना है भाई एक से ज्यादा है दे हैव टू क्लीन देयर रूम समझ आया बच्चों को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स समझ आया इसी तरह हमारे बाकी के जैसे डब्ल्यू एच ओ फैमिली आ गई अब तो हु का मतलब क्या होता है हु का मतलब होता है कौन या किसने कौन या किसने कौन या किसने को हम क्या कहेंगे हु जैसे भाई तुम कौन हो हु आर यू जैसे हम कहें यह केक किसने खाया तो कौन एट लिए इंग्लिश में हम लगाते हैं who. तो आप सबको क्या समझना है कि ये जो हम हिंदी में जब ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में तो कई बार आपका जब दिमाग काम ना करे तो ये चीजें अगर आपने अच्छे से समझी हैं पढ़ी है तो आप लोगों को परेशानी नहीं आएगी नेक्स्ट है कब और जब दोनों ही situations में लगता है। देखिए कैसे तुम दिल्ली कब जाओगे तो यहां पर कब आ गया वैन विल यू गो टू डेली ठीक है और तुम कब तर, पढ़ते हो वेन डू यू स्टडी और ये जो जब है ये आएगा जब हम सेंटेंस के बीच में इसका इस्तेमाल करेंगे वो कंजंक्शन में हम स्टडी करेंगे तो अभी इसको रहने दो अभी एग्जाम्पल इतने ही ठीक है फिर है हुम यानी किसे और जिसे तो यहां पर हम क्या करेंगे हम किससे या जिसे यानी कि आप किसी से बात करते हैं फोन के ऊपर तो हमेशा क्या बोला जाता है मे आई नो हुम एम आई स्पीकिंग विद क्या मैं जान सकता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं तो किसी से कुछ हो रहा है किसी से कुछ संबंधित है उसके लिए भी हम हुम का इस्तेमाल कहां करेंगे ध्यान से देखिए हम इस्तेमाल करेंगे मेरे को छोटा ही करना पड़ेगा ये ऐसे बार बार हिल जाता है नहीं यार ज्यादा ही छोटा हो गया बेटा है ना ये आ गया आपका होम कि भाई तुमने पैसे किसे दिए भाई तुमने पैसे किसको दिए तुमने पैसे किससे लिए ठीक है तो किसे किससे ठीक है इन सबके लिए क्या आ जाएगा इंग्लिश में होम आ जाएगा अब देखिए नेक्स्ट है हमारा व्हाट तो क्या को हम क्या बोलेंगे क्या को हम इंग्लिश में बोल देंगे व्हाट तुम्हारा नाम क्या है वॉट इज योर नेम अभी समय क्या हुआ है वॉट टाइम इज इट नाउ तो आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है जब भी आप किसी से सवाल पूछें और वो क्या से शुरू हो आपको क्या करना है आपको वॉट लगाना है तो ये आपके समझने के लिए है ताकि आपको समझ आने लग जाए फिर कहा जहां उसके लिए हम वेयर लगा देते हैं जैसे तुम कहां रहते हो वेयर डू यू लिव तुम कहां जा रहे हो वेयर आर यू गोइंग तो इसी तरह से आप लोगों को बाकी की जो चीजें हैं वो समझनी है जैसे कौन ये कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद सोच सकते हो आप कंफ्यूज भी होते हो तो जब भी हमें पूछना पड़े कि कौन सा कौन सा मान लीजिए दो किताबें हैं और आपको एक चूज करनी है तो आप पूछते हो ना कि भाई तुम्हें कौन सी किताब पसंद है तो आप क्या पूछोगे विच बुक डू यू प्रिफर या विच बुक डू यू लाइक कौन सी किताब तुम्हें पसंद है तो कौन सा या कौन सी तो किताब के लिए सामान के लिए कुर्सी के लिए किसी भी चीज में दो में अगर आपको चुनना पड़े तो आप हमेशा क्या लगाएंगे विच फिर है किसका या जिसका भाई यह बस्ता किसका है दिस ठीक है अब किसकी बारी है हुन इज इट नाउ वे जूते किसके हैं हूज शूज तो जब भी आपको ये पता करना हो यह सामान किसका है ये किताब किसकी है आ, वो बच्चा किसका है हुज किड इज दिस तो इस तरह के जब भी आपके हिंदी में शब्द आएंगे तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे फूज का अब ये मैंने पूरी डब्ल्यू एच फैमिली लिख रखी है जैसे कैसे कितने उसके लिए हाउ लगाते हो कैसे का मतलब आ, आप कैसे हैं हाउ आर यू इस्तेमाल करेंगे ना तो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ अभी सिर्फ इतना समझो आगे ट्रांसलेशन ज्यादा ध्यान मत दो ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हैं भाई आपकी उम्र क्या है तो आप कैसे पूछोगे हाउ ओल्ड आर यू ओके तो कैसे और कितने के लिए हमेशा आपके पास कितने रुपए हैं हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव समझ आया फिर है नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दिस और दीज और ये चारों आप लोगों को अभी समझा देता हूं बाकी इसके ऊपर एक अलग से आ, वीडियो भी कर लेंगे अलग सा टॉपिक है अभी सिंपल ये समझो एक ही बार मैं बताता हूं दिस दैट दीज तो चार हमारे अभी कवर हो जाएंगे दिस दिस का मतलब होता है कि यह ओके okay? जो चीज आपको इशारा करके बतानी पड़े और आपके वो पास है एक चीज है आप उसके लिए इस्तेमाल करते हो दिस का यानी कि यह तो यह मेरी कलम है दिस इज माय पेन लेकिन आपसे दूर कुछ रखा है जैसे आपकी बाइक खड़ी है तो कोई पूछता है भाई तेरी बाइक कहाँ है तो आप क्या कहोगे दैट इज माय बाइक लेकिन आपके सामने है वो आप इशारा कर रहे हो उंगली करके बता रहे हो कि भाई वो जो दिख रही है ना वो मेरी बाइक है तो वह के लिए क्या जाएगा That. और अपने पास एक से ज्यादा चीजें हो तो आप क्या कहोगे आप कहोगे जैसे मैं कहूं दीज आर माए टॉयज कि ये मेरे खिलौने हैं लेकिन अगर एक से ज्यादा खिलौने दूर हो तो क्या बन जाएगा Those. तो ये जो पूरी पीडीएफ है ये आपको ऐसे ही आ, सभी वो बता देगी जो भी आपके डेली यूज के वर्ड हैं जैसे दीस दोस अब देखिए ये ऐसा वर्ड है बी ये बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को बी का मतलब होता है होना ठीक है बी वॉज बीन तो ये क्या है एक फॉर्म है तो ये अगर मैं इसकी कहूं प्रेजेंट फॉर्म तो इज एम आर जो है ना वो इसी के भाई बहन है ये आप समझ के चलो ठीक है इनका भी मतलब क्या होता है कुछ होना जैसे इसका मतलब क्या होता है है M का मतलब क्या होता है हूं आर का मतलब क्या होता है हैं तो एक से ज्यादा हूं तो आर के लिए लगता है हैं और एम जो है उसका क्या मतलब होता है भाई हूं ठीक है और इसका क्या मतलब होता है? है तो ये बात आपको आगे बता रखी है तो जो आर है ना वो हमेशा एक से ज्यादा के लिए लगेगा और जो एम है वो हमेशा आई के साथ लगेगा बस और जो इज है वो ही, शी, इट या किसी एक के साथ लगेगा यानी कि सिंगुलर हम बोल देते हैं या कोई एक नाम हो उसके साथ समझ आया तो ये सब आप लोगों को यहीं पे आप ध्यान दो बी का मतलब होना और वो कैसे होता है एग्जाम्पल देखो मैं जल्द ही विदेश जा रहा हूं तो विल के साथ जब भी आप फ्यूचर में लगाएंगे ना और इसको हम क्या बोल देते हैं हम इसको बोल देते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ठीक है आप कहते हो कि भाई वह एक दिन डॉक्टर बनेगी शी विल बी अ डॉक्टर वन डे ओके तो आप क्या कर रहे हो कि कुछ होगा उसके लिए आप क्या लगाते हो बी अगर मैं आपको कहता हूं कि ईमानदार बनो ईमानदार हो तो उसके लिए क्या बोलूंगा बी तो लोगों को पता होना चाहिए और ये जो डू do, डिड है ये हम सभी आ, अगली क्लासेस में बिल्कुल डिटेल में इनको करेंगे यहां पर आप सब इनका सिर्फ हिंदी में क्या मतलब निकल सकता है वो समझ लो इनका मतलब होता है करना ठीक है और डिड का मतलब होता है पास्ट में कर दिया ठीक है पास्ट में कर दिया तो कुछ कर दिया आपने कोई एक्शन किया है उसके लिए जब भी आप बताएंगे तो आप क्या यूज करेंगे का यूज पास्ट में और डू डज कब लगेंगे ये ई एस क्यों लगेगा ये हम अगली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में करने वाले हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और इसके बाद इसमार मैंने आप लोगों को बता दिया ठीक है वर्क का, मतलब का मतलब होता है थे अभी इतना याद रखो और ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये आप लोगों को पीडीएफ के तौर पे मिल जाएंगे हैज हैव हैड ये भी हम करेंगे अभी मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैं आप सब को ये चीज अच्छे से समझा दूं कि डे वन पे आप लोगों को ये जो 50 डेली यूज के वर्ड्स हैं ये आने चाहिए ये पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है ओके अब अगर आप लोगों को कुछ आ, कुछ पूछना हो तो पूछिए चलिए जल्दी से पूछिए सबने लाइक कर दिया सर आज की क्लास बहुत ही अच्छी रही थैंक यू एवरी वन थैंक्स अलॉट अगर आप लोगों में से अभी किसी का कोई सवाल है तो पांच मिनट अभी मैं यहाँ पर हूं तो आप पूछ सकते हैं आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आप सबको आज की क्लास बेहद अच्छी लगी और कल से कल हम क्या सीखेंगे वो मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को हम कल क्या सिखाने वाले हैं he she it के साथ is the मार लगेगा has have had कब लगेगा was were कब लगेगा वो सब हम कल की क्लास में करने वाले हैं तो मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आज जो भी हमने वर्ड मीनिंग किए हैं उनके अलावा चार या पांच और बच गए थे वो सभी पीडीएफ में आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो आप जाकर देखिए नहीं तो अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे मेरी ऐप डाउनलोड करेंगे उसमें भी मेरे कोर्स में जीरो लेवल टू हीरो लेवल में वो आपको फ्री कंटेंट में देख जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ओके डाउनलोड शायद वो नहीं हो पाएगा टेलीग्राम पे अगर आप जाएंगे वहां से डाउनलोड हो जाएगा तो टेलीग्राम पे जाइए और कुछ बताइए आप लोगों को आज समझ आया कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा था ये जो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको ऐसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी अगर आपको ये नहीं पता कि हिज कहाँ लगाओगे हर कहाँ लगाओगे हाउ का मतलब क्या होता है तो इसके बिना तो आप शुरुआत भी नहीं कर पाओगे ये सभी सब्जेक्ट हैं तो कोई भी वाक्य इंग्लिश में बनता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है इसीलिए मैंने आप लोगों को आज सब्जेक्ट करवाया है कल मैं आप लोगों को जो इज एम आर वो वर हैज एव है ना डू डज डिड ये सभी के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं सब्जेक्ट के साथ वो मैं कल करवाने वाला हूं ओके तो चलिए बताइए आप लोगों को कुछ पूछना है तो महेश धाकड़ कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं क्या मैं इंग्लिश सीख सकता हूं का हाँ भैया बिल्कुल सीख सकते हो उसमें क्या दिक्कत है इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाओगे गला सूख जाता है पता है होता क्या है एज ए टीचर आप में इतनी एनर्जी होती है ना आपको ही होता है कि ये भी पढ़ा दूं वो भी पढ़ा दूं ये भी करवा दूं एक ही दिन में सब कुछ घोट के पिला दूं बच्चों को है ना तो उस एनर्जी लेवल में आप इतना तेज बोलते हो कि आपका गला कहता है कि हे प्रभु कुछ मुझ पर दया कीजिए तो गला जब सूखने लगता है ना तब लगता है कि यार पानी पी लेते हैं और अभी मैंने ए थोड़ा सा कम किया क्योंकि मुझे इतनी गर्मी लगने लग जाती है बोलते बोलते कि समझ भी नहीं आता ट्रांजैक्शन समझ में यार इतने कमेंट आएंगे तो मेरी आंखें काम नहीं करेंगी तो आपके कमेंट में पढ़ नहीं पा रहा हूं भैया थोड़े से रुक रुक के कमेंट करो कैसे मैं बताऊं टेलीग्राम लिंक मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है भाई मेरे परेशान क्यों हो रहे हो टेलीग्राम लिंक ये देखो मैंने फिर से दे दिया टेलीग्राम लिंक ये देखो मैंने फिर से दे दिया ठीक है टेलीग्राम लिंक दे दिया दे दिया भाई थर्टी डेज थर्टी क्लासेस हम कंप्लीट चलाएंगे आ, बिल्कुल रुकना नहीं है आपने ओके देखते रहना है और जितने भी फिफ्टी वन जो मैंने आज वर्ड मीनिंग पीडीएफ में आप लोगों को करवाए हैं ना जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे आपका होमवर्क है कि उसको अच्छे से समझना है क्योंकि जब तक उसको नहीं समझ पाओगे आगे आप कभी भी चीजें नहीं कर पाओगे देखिए मैं आप लोगों को आ, कई और तरीके हैं उनसे भी मैं इंग्लिश की शुरुआत में करवा सकता था लेकिन मुझे ये लगता है एज ए टीचर मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ाऊँ ठीक है नाम नाम का इंग्लिश मीडियम स्कूल था हमारा पूरी हरियाणवी ठेठ भाषा चलती थी वैश कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ फिर गवर्नमेंट कॉलेज में वहाँ भी फुल हरियाणवी टशन में रहते थे सभी तो मैं उनके साथ हिंदी में कैसे बोल पाऊंगा यार अब मान लो दस खड़े हैं लोग वो कह रहे हैं और भाई क्या कर दिखे गो कोनी और अगर मैं उनको कहूँ कि यार मैं मेरी नानी जी के घर गया था तो अच्छा थोड़ी ना लगता है यार तो आप समझ जाओ कि चाह के भी आप उस माहौल में इंग्लिश तो सीखना दूर की बात है हिंदी भी भूल जाते हो समझे तो मैंने भी बिल्कुल बेसिक से ऐसे ही शुरुआत की है तो मुझे लगता है कि अगर आप पी डी में जो भी मैंने आप लोगों को आ, डेली यूज के सब्जेक्ट्स बताए हैं शायद मैंने कोई भी नहीं छोड़ा है जो भी सब्जेक्ट यूज होते हैं मैंने सभी ले लिए हैं तो अगर आप इनको एक बार समझ लोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि आपको इंग्लिश समझने में और उसके बाद बोलने में कोई भी दिक्कत आएगी हैज और है का यूज पक्का बताऊंगा कल बताऊंगा लवली खान ओके अभी अगर आप लोगों को कुछ सर आई सो यू इन संदीप महेश्वरी सर यूट्यूब चैनल सुकित्रा श्रीवास भाई अभी नहीं आया हूं आ जाऊंगा टेंशन ना लो बात हो गई है आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ आएंगे कब आएंगे कैसे आएंगे वो मैं बाद में डिटेल शेयर करूंगा अभी कुछ नहीं बता सकता हाँ ये बात श्योर है कि बातचीत हो गई है तो टेंशन ना लो है सब कुछ है चलिए और कुछ बताइए देर देर का यूज देर यानी कि उनका तो मान लीजिए दो से ज्यादा लड़के हैं इंसान हैं तो आपको यह कहना पड़े कि भाई उन लोगों की कार है वे सब, ठीक है? यानी दे के लिए आप बताना चाहो कि उनका क्या है वहां पे, तो आप कह सकते हो कि ये उनकी कार है दिस इज देयर कार ठीक है तो उन सब की या उनकी तब आप इस्तेमाल कीजिएगा देर का सर लिंक ओपन नहीं हो रहा है अगर किसी का लिंक ओपन नहीं हो रहा है टेलीग्राम का तो आप सब टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो फ्री ऑफ कॉस्ट है सबको पता है व्हाट्सएप की तरह ये भी तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके वहां सर्च में इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल डालोगे तो 38,000 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर हैं उस हैंडल पे तो वहां आपको जैसे ही ये क्लास खत्म होगी ये पीडीएफ में डाल दूंगा और बताओ और कोई समस्या अब यार एक काम कर देना कि जो भी बच्चे देख रहे हैं या इस रिकॉर्डेड वीडियो को बाद में देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा ओके और अगर आप शेयर करना चाहें व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फेसबुक के पेजेस पे तो आप लोगों की बहुत कृपा होगी बहुत अच्छा लगेगा मुझे आ, मेरा ये आ, मानना है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख सकें मुझे उतनी ही ज़्यादा खुशी होगी तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सबको अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो कल की क्लास में जरूर आइएगा कल की क्लास बेहद बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज अगर किसी को यह लगा कि इतना तो मुझे आता था उन बच्चों को हो सकता है कल ये लगे अरे ये तो मुझे नहीं आता था ओके तो हर दिन धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे और एक एक कदम मेरे साथ आप मिला के इस इंग्लिश की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए यही मेरी दुआ है आप सबके लिए तो इसी के साथ आ, मुझे आज के समय पर आ, विदा दीजिए बहुत समय हो चुका है एक घंटा ऑलमोस्ट होने वाला है का यूज स्पिरिट मोटिवेशन होता है किसका तो अगर मैं आपको कहता हूं कि तुम किससे बात कर रहे हो आर यू टॉकिंग टू मैं आ, फोन मिलाता हूं किसी को तो मैं कहता हूं कि यार क्या मैं जान सकता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं भाई किसके साथ ठीक है तो मैं क्या कहूंगा मे आई नो होम एम आई स्पीकिंग विद या हुम एम आई टॉकिंग टू आप कहते हो ना कि किसके साथ तुम मार्केट किसके साथ गई थी विद होम डिड यू गो टू मार्केट समझ आ रहा है कि अगर किसी से पूछना हो कि तुम वहां किसके साथ गई थी या तुम किसके साथ खड़े थे वहां पर? विद होम वर यू टॉकिंग टू दे ओके इन द मार्केट विद होम डिड यू गो टू द मार्केट तो आप ऐसे सवाल जब बनाने की कोशिश करो हिंदी से इंग्लिश में कि किसके साथ तो आप हमेशा क्या इस्तेमाल करोगे हुम का और बताओ इट और दिस का देखिए ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है बहुत अच्छा याद दिलाया तालियां 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 तालिया, रविकांत के लिए देखो अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं जब भी आपको ये कंफ्यूजन हो कि सर इट जो है और दिस जो है इन दोनों में फर्क क्या है ये दोनों का ही मतलब क्या होता है यह होता है तो अगर मैं कहूं इट इज चेयर या मैं कहूं दिस इज चेयर तो उसमें फर्क क्या है देखिए दोस्तों ये दोनों ही जो सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा बार आपस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं लेकिन एक कंडीशन है कि जब आप किसी को कुछ दिखा रहे हो कि भाई देखो ये मेरा स्कूल है तो आप ये तो नहीं कह सकते ना इट इज माई स्कूल वो गलत होगा क्योंकि जब भी आप इशारा कर रहे हो किसी को डायरेक्शन दे रहे हो डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हो दिखा रहे हो ना कि ये ऐसा है तब आप हमेशा दिस का यूज करोगे इट का यूज नहीं करोगे समझ आया ध्यान रखना इंतजार है कल का बिल्कुल कल का इंतजार रखिए और चलिए बहुत समय हो चुका है रात के नौ बज चुके हैं आप सब भी खाना वाना खाइए आराम से अपनी सेहत का ध्यान रखिए और ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बांटते रहिए जिन लोगों ने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए अपने पड़ोसियों से दोस्तों से सबसे ये चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके हम 10 मिलियन तक पहुंच सकें और गोल्डन बटन तो आ चुका है जो डायमंड बटन होता है वो मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ अनबॉक्सिंग करूँ ऐसी मेरी दिली तमन्ना है तो आप सबके ऊपर आप मेरी ये तमन्ना कब पूरी करते हैं मैं आप लोगों की इंग्लिश सीखने की तमन्ना इंग्लिश बोलने की तमन्ना ज़रूर पूरी करूँगा तो इसी के साथ अगर मेरी कोशिश पसंद आई हो तो Bye bye, good night, sweet dreams, take care, sleep tight.